कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कल मेरी मुलाकातों से हुई है तो मौलाना मुझे कह रहे थे। अच्छा, मेरे ना एक जानने वाले हैं तो हम आपकी आवाज़ में उनको कॉल करेंगे, देखते हैं कि वो पहचान पाते हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमवाईके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। मौलाना तारिक जमील साहब को कौन नहीं जानता, जिस तरह से वो बात करते हैं, जो उनका अंदाज़े बयां है, हर कोई उनकी तारीफ करता है। मेरे साथ मौजूद हैं इमादुल इस्लाम। इनकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल मौलाना तारिक जमील की तरह बोलते हैं, उनकी तरह पोइट्री पढ़ते हैं और उनकी तरह ही उनका अंदाज भी है। इनके पास मैं ही उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी बहन। मौलाना तारिक जमील की आवाज़ में ही आपने मेरे से बात करनी है, मुझे बताएं कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शक्ल चेंज है, बाकी आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल मौलाना तारिक जमील जैसी है। सबसे पहले हमें क्या सुनाएंगे उनकी आवाज़ में? जी मैं आपको इन शॉर्ट नसब सुनाता हूँ जो तारिक जमील साहब सुनाते हैं नबी अलैहिस्सलाम का। किसी नबी का नसब महफूज नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वाहिद हस्ती हैं जिनका शजरा तैयबा आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन केला बिन मुर्रा बिन काब बिन लवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलमान बिन औस बिन बोस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आयफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन सम्बर बिन यसरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरआवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन कनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवज़ बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नहूर बिन सरूज बिरउ बिन फाहिज बिन आबिर बिन अरफ़क्शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिख बिन इदरीस बिन यरद बिन महललील बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक तो मतलब सारा याद है इनको, दूसरा बिल्कुल उनकी तरह से बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा, मेरे ना एक जानने वाले हैं, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो हम आपकी आवाज़ में उनको कॉल करेंगे, देखते हैं कि वो पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। एक दफ़ा मेरा फ़ोन मुझे दें और हम उनको कॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जी जी। पहचान पाएंगे वो? इंशाल्लाह। उनको उनको लगेगा वाकई मौलाना तारिक जमील बात कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है, आप जिनके बहुत बड़े फ़ैन हैं ना, मैं उनके पास अभी आई हुई हूँ, तो मैं आपकी बात करवाती हूँ उनसे, ठीक है? मैं पहुँच चुकी हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के। हाँ, आप बात करो, आप बात करो, ये लो। जी अस्सलाम वालेकुम। आप पकड़ बेटे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे तुम्हें। बस बेटे, तुमसे मोहब्बत है, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, अल्लाह तुम्हें कामयाबियाँ दे। जी मैं सुनाता हूँ बेटे। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे कॉल की। सर मैं आपका नसीहत लेना चाह रहा हूँ, मुझे कोई भी नसीहत करे। बेटे बस नसीहत ये है कि हम उम्मत को जोड़ें, और अभी मुहर्रम शुरू है, शिया सुन्नी भाई भाई हैं, और हम सबको प्यार दें और उन्स पैदा करें, उल्फत पैदा करें। और भी दुख हैं ज़माना में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। बस यही नसीहत है बच्चे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
कि आपको खुद कब पता चला कि आपके अंदर भी मतलब उनकी तरह बोलने की एक ताकत है, आप उनकी तरह बोल सकते हैं, उनकी तरह आपकी बात करने का अंदाज? जी जी, अंदाज ये है कि मैं बयान कर रहा था मस्जिद में, 2009 की बात है, ठीक है। तो कराची से एक जमात आई थी, तो उन्होंने कहा ये जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, बयान करते हैं, तो सेम मौलाना तारिक जमील साहब की तरह करते हैं। कल मेरी मुलाकात उनसे हुई है, तो मौलाना मुझे कह रहे थे मैं तुम्हारी वीडियो में देखता रहता हूँ। कैसा लगा फिर उनसे मिलके, क्योंकि आप एक मतलब आपने एक सुना हुआ है उनके बारे में, उनकी तरह आप बात कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिले हैं तो क्या असरात थे आपके? उनके असरात मेरे तो बहुत अच्छे थे, और वो मुझे दुआएं दे रहे थे कि बेटे उम्मत को जोड़ना है, उम्मत को तोड़ना नहीं है। मैं झेलम सिटी से हूँ, पूरा झेलम समाजी सियासी ताजर जितने भी हैं सब मुझे लिटिल सानिए तारिक जमील कहते हैं। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और उनका एक शेर था, वो जरा उनकी तरह बिल्कुल उनके जैसा सुना दे। अजल ही न छोड़ा न किसरा न धारा, इसी से सिकंदर से फाते बिहारा, हर एक ने क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा सब रह गया यूं ही ठाट सारा, कि मोहम्मद से वफा तूने कि तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है, नसीब कैसा भी हो वासित अहमद का देकर, नसीब जैसा भी हो वसीला मुस्तफ़ा का लेकर, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। बेशक 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 जरूर मिलता है। अच्छा, अल्लाह के नबी के जो जानवर थे ना, उनके नाम भी मौलाना तारिक जमील साहब सुनाते हैं, तो वो भी जरा मैं सुना। मैं आई हूं तो मैं सारा कुछ सुन के जाऊंगी उनकी आवाज में। माशाल्लाह, क्यों नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दो ऊंट थे, एक का नाम अस्कर, एक का नाम सालिब। दो चार ऊंटनियां थी, शहबा जदा अजबा कस्बा। शहबा उठनी है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो शहबा उठनी को पता चला, वो अल्लाह के नबी के गम में इतना रोई कि वाई दुनिया से चली जाती है। कस्बा उठनी है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ ले गए, हजतुल वदा, तो अरकान हज आपने कस्बा उठनी पर बैठकर अदा फरमाए। दो खच्चर दुल दुल फिरदा, दो गधे याफूर उफैर, याफूर खैबर के मौके पर माल गनीमत तकसीम हो रहा था, वो अल्लाह के नबी के पास आकर कहने लगा, या रसूला आप नबियों में आखिरी हैं, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ, मुझे अपने कस्टडी अपने पास रख लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खदमत अक़दस में कोई खादिम मौजूद ना होता, आप फरमाते याफूर जाओ फलां बिन फलां सहाबी को बुला कर लेकर आओ, याफूर दौड़ता जाता अट्ठा टक्कर मारता, तो लोग समझते अच्छा अल्लाह के नबी ने याद किया है, चलो भी चलते हैं, चलो भी चलते हैं। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, याफूर मदीना की गलियों में चक्कर लगाता दौड़ता था, आखिरें कुएं में जाके छलान लगा के अपने आप को मार दिया कि अल्लाह के नबी नहीं हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। नौ बकरियाँ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, उमैमन की देखभाल करती थी, अजवा सुकिया कमरा जमजम बारका वारफा इतलाल इतराफ गैसा, एक बकरा तो उसका नाम था यमन, जो आपकी हयात मुबारक में दुनिया से चल बसा। नौ घोड़े थे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, सबहा सिजल तेराज लिजास लहीफ वर्द सकब मुर्तजिल और मुर्तजिस, और मुर्तजिस वो घोड़ा है जिसकी नस्ल चलते 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 करबला में आके ख़त्म हो जाती है, कि अल्लाह ने अपने हबीब से प्यार किया है, हम भी हजूर से प्यार इश्क करें और हजूर की आल से इश्क करें। हजूर के आल इमाम हसन इमाम हुसैन मौला अली बीबी फातिमा तो ज़ारा सलामु अलैहा, इन पर लाखों करोड़ों सलाम हैं कि जिनकी कुर्बानियों के एफर्ट्स के सदके दीन हम तक पहुंचा है। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस पर अमल कर सकें। चलिए जी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।